सबकॉन्शियस माइंड की पावर के प्रयोग लेकर पुनः हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही होंगी और आप अपने रोज के जीवन में इनका उपयोग करेंगे, कर रहे होंगे। विद्यार्थियों की हम बात कर रहे थे। बहुत सारे छोटे विद्यार्थी प्राइमरी स्कूल के भी परीक्षाओं से डरते हैं, कईयों को वैसे ही भय रहता है। आजकल हिडन फियर, छुपा हुआ भय, अनचाहा भय बहुतों को अनुभव होता है और उससे वो कमजोर होते जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी डाउन होती जाती है, वो जैसे दबते जाते हैं। कई सौ विद्यार्थियों ने ये प्रयोग किए हैं। जिनको एग्जाम फियर थे उन्होंने सवेरे उठकर ही अभ्यास किए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, एग्जाम तो मेरे लिए गेम है, एग्जाम इज एंजॉयमेंट फॉर मी, मैं निर्भय हूँ। 5-7 बार ये संकल्प करने से हमारा भय चला जाता है और एग्जाम के समय जो नर्वसनेस आती है वो भी समाप्त हो जाती है। मैं सभी अपने विद्यार्थी बच्चों को कहूँगा, जब आपके पास पेपर आ जाए एग्जामिनेशन हॉल में, तो 10-15 सेकंड आप शांत बैठ जाओ और ये संकल्प रिपीट कर लेना, मैं भगवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये पेपर आज बहुत सुंदर होगा, सफलता तो मेरा जन्म से अधिकार है। और अपने माइंड को और ब्रेन को एक काम दे दो कि मैंने जो कुछ पढ़ा है पूरे साल वो सब इमर्ज कर दो बहुत कॉन्फिडेंटली, भले आधा मिनट लगाओ और फिर पेपर पढ़ो, तो ना नर्वसनेस आएगी और ना आप कुछ भूलेंगे। ये बहुत सुंदर एक सीक्रेट है। बहुतों ने इसको किया और जो उन्होंने अब से 6 मास पहले पढ़ा था, 8 मास पहले पढ़ा था, वो भी सब याद आने लगा। एक प्रयोग, आप एक घर चाहते हैं, आपको घर नहीं है, आप किराए पर रहते हैं, आपको बहुत यात्राएं करनी पड़ती हैं, आपको एक कार भी चाहिए। सवेरे उठते ही आप संकल्प करो, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, भगवान की संतान हूँ, उसने मुझे सब कुछ दिया है, उसको बारंबार शुक्रिया करो और एक घर अपने विजन में बना दो, एक पिक्चर बना दो, ऐसा घर मुझे 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में मिल जाएगा। इस घर में जाकर हम बहुत सुखी होंगे, जिसमें 3 बेडरूम होंगे, 1 ड्राइंग रूम होगा, ऐसा सा एक पिक्चर बना दो। आपको एक कार चाहिए तो आप विजन बनाओ कि हमारे घर के सामने ये कार खड़ी है, हम उसमें यात्रा कर रहे हैं, हम उसमें बिल्कुल निर्विघ्न हैं, हम उसका आनंद ले रहे हैं, हमारी जीवन की यात्रा सुखी हो गई है। तो वो एक टाइम भी देना है और विजन भी देना है कि 1 मास में, 4 मास में, 1 साल में, जैसी आपकी धन की क्षमता हो उस अनुसार आप टाइम देंगे तो ये चीजें आपको मिलने लगेंगी। मैं बहनों को कहना चाहूँगा जो किराए के सेंटरों में आश्रम चलाती हैं, किराए के मकानों में, आपको निश्चित रूप से एक अच्छा भवन चाहिए, क्लासरूम भी बहुत अच्छा हो, आजकल सेवाएं बहुत बढ़ रही हैं, 300-500 लोगों के बैठने का हॉल तो सब जगह चाहिएगा क्योंकि सेवाएं अब तीव्र गति से बढ़ेंगी। किराए के मकान में रहने से वाइब्रेशंस भी आप नहीं बना पाते हैं और अपनी इच्छा से ज्ञान योग भी नहीं कर सकते, लोग भी फ्रीली वहाँ नहीं आ पाते हैं, एक बाधा बनी रहती है, मकान खाली करना, दूसरी जगह सेट करना, बहने इसमें परेशान होती हैं। आप बहुत अच्छा योग अभ्यास करें, 1 घंटा रोज योग अभ्यास करें किस दिन, और सवेरे उठकर 2 संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और एक सेंटर का पिक्चर दिखा दें अपने सबकॉन्शियस माइंड को। अगर आप 3-4-5 बहने हैं सब करेंगी सेम टाइम कि अभी 1 साल में, 2 साल में हम ऐसे सेंटर में रहेंगी, मैं वहाँ क्लास में बैठी हूँ, मुरली सुना रही हूँ, सामने इतने भाई बहने बैठे हैं, 7 दिन तक ये विजन आप
अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे, कॉन्फिडेंस हो जाए, उस तरह की तैयारी भी रखेंगे और बहुत अच्छा योग अभ्यास भी करेंगे तो आपको बहुत बहुत सहज रूप से सफलता प्राप्त हो जाएगी। आपके पास पहले बहुत भाई बहने आते थे क्लास में, अब वो किसी भी कारण से संशयात्मक बुद्धि हो गए हैं, अब वे ढीले हो गए हैं। ज्ञान योग का मार्ग ही ऐसा है, चाहे किसी के व्यवहार से वो ढीले हो गए हों या उनकी अपनी परिस्थितियों ने उनको ढीला कर दिया हो, घर की समस्याएं उनके साथ ज्यादा आ गई हों, कोई बीमारी उनको लग गई हो जो उनको चुस्त नहीं रहने देती, सुलाती है सवेरे, तो आप सवेरे उठकर उन सभी को बहुत अच्छे वाइब्रेशंस देकर उनका आह्वान करेंगे और एक विजन बनाएंगे। मैं क्लास में मुरली सुना रही हूँ, ईश्वरीय महावाक्य सुना रही हूँ और सामने 100 भाई बहने बैठकर मुरली सुन रहे हैं, 150 भाई बहने बैठकर मुरली सुन रहे हैं और 15 दिन का समय दे दें, 15 दिन में ये सब होने जा रहा है। वैसा ही होगा, रोज सबको वाइब्रेशंस देंगे, सबका आह्वान करेंगे और उठते ही एक सुंदर संकल्प कर दिया करें, मैं इस देवी हूं, मैं जहां भी जाऊंगी वहां ही फूल खिलेंगे, मेरी उपस्थिति से तो रेगिस्तान में भी हरियाली आ जाएगी। कई बार क्या होता है, बहनें कहीं जाती हैं, पता होता है यहाँ सेवा नहीं बढ़ पा रही है, यहाँ कोई गलत डिसर्विस हो गई है, लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो इस मेंटेलिटी के साथ वहां जाते हैं कि यहाँ काम बहुत मुश्किल है। पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक संकल्प भर दिया होता है, बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं सेवा बढ़ पाएगी या नहीं, मुझे यहाँ क्यों भेज दिया गया, और किसी को भेज देते। लेकिन नहीं, आप सवेरे उठकर बहुत अच्छा योग करें, अपने को इस स्वरूप में स्थित करें, मैं इष्ट देवी हूँ, पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, और संकल्प करें हमारे शहर में, हमारे चारों ओर 10 किलोमीटर के एरिया में, 20 किलोमीटर के एरिया में देव कुल की जो भी आत्माएं हों, आ जाओ, भगवान तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ, विश्वास करो, अब सब आत्माएं आएंगी। संकल्प दो, जो कुछ अब तक हुआ वो तो संसार में हार जीत जय पराजय होती रहती है, अब आप पुनः आ जाओ, भगवान से अपना भाग्य ले लो, भाग्य बांटने आ गया है, इस तरह आह्वान करेंगे तो सेवाएं बहुत अच्छी बढ़ती जाएंगी। इसका बहुत सुंदर रिजल्ट आप देख लें, अपने संकल्पों को पॉजिटिव करें, सवेरे उठते ही बहुत सुंदर संकल्पों की रचना अपने अंतर मन में करें, अपने को कमांड दें, विजन भी बनाएं, इसे बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। मैं एक प्रयोग और आपके समक्ष रख रहा हूं। बहुत लोगों को जीवन में धन की कमी रहती है, बहुत लोग कर्ज के नीचे दब जाते हैं, परेशान होते हैं निश्चित रूप से। कई लोगों को ऐसा होता है, लोग माल ले गए हैं, पेमेंट नहीं दे रहे हैं। आजकल कई बिजनेस वालों की ये मेंटेलिटी हो गई है, पेमेंट देते नहीं हैं, पैसा होते भी कर्ज चुकाते नहीं हैं, बहुत परेशानी होती है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेक कर लो, कहीं आपने अपने अंदर ये संकल्प तो नहीं भरा हुआ है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। अगर भरा हो, इस संकल्प को आज से बदल दो, भगवान मिला, उसने सर्व खजाने दिए, उसको शुक्रिया करना और उठते ही संकल्प करना, मैं भगवान की संतान, बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, हे शिव बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भंडारे भरने लगेंगे, आपका भाग्य का सितारा अवश्य चमकने लगेगा। इस तरह सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करेंगे। ओम।